क्या कांग्रेस में आएंगे प्रशांत किशोर? क्या पीके के प्लान से होगा पार्टी का बेड़ा पार? कब थामेंगे पीके कांग्रेस का हाथ? यही सवाल सियासत में लंबे वक्त से उठाए जा रहे हैं, लेकिन पीके की एंट्री को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि कांग्रेस में जबरदस्त मंथन चल रहा है। आज भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में कांग्रेस के प्रस्तावित चिंतन शिविर, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, सदस्यता अभियान और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही मीटिंग में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस से जुड़ने के बारे में भी मंथन होने की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करना चाहती है, क्योंकि वो इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि अगर पीके कांग्रेस के लिए प्लान बनाएंगे तो बीजेपी का परेशान होना तय है। बिहार चुनाव के वक्त पीके की ही रणनीति से एनडीए को जबरदस्त मात मिली थी, जबकि महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी प्रशांत किशोर की बिछाई सियासी बिसात पर चलकर बीजेपी को अपने किले में सेंधमारी से रोकने में कामयाब हो पाई थी। इसीलिए कांग्रेस का फोकस जल्द से जल्द प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल कराने का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मई महीने से पहले औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई थी। पार्टी में उन्हें बड़ा पद देने की भी तैयारी है। वहीं पीके की तरफ से भी संकेत यही मिल रहे हैं कि वो भी कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। पीके की टीम ने बीजेपी के मुख्य ऑफिस कमलम के पास ही एक फ्लैट किराए पर लिया है और कांग्रेस पार्टी ने पीके की टीम को फ्लैट और कार समेत कई सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। अब कांग्रेस तो पीके को पूरी तैयारी के साथ लाने की कोशिश में है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि वो कब तक पार्टी का हाथ थामते हैं।